दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये देश के लिए बहुत खास मौका था क्योंकि ये ट्रेन पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिसे पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। हालांकि इस मौके पर पीएम ने पुलवामा हमले का जिक्र किया और हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजीनियर्स की तारीफ भी की और कहा कि उनकी वजह से रेलवे की दिशा पूरी तरह बदल गई है। पीएम ने कहा कि हम इंजीनियर्स के काम को नमन करते हैं। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम भी इस ट्रेन में रवाना हुए। आम जनता के लिए ट्रेन 17 फरवरी से चलेगी। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकटों की बुकिंग अब शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इस ट्रेन का नाम पहले ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। दिल्ली से वाराणसी के बीच ये ट्रेन 180 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से दोपहर 3 बजे ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी और रात 11 बजे दिल्ली पहुंचेगी। सोमवार और गुरुवार को छोड़कर ये ट्रेन 5 दिनों तक चलेगी। 17 फरवरी से इस ट्रेन का रेगुलर संचालन होगा। ट्रेन में कानपुर में बना लैंडमार्क होटल का खाना परोसा जाएगा। दिल्ली वापस लौटने से 115 रुपए सस्ता होगा दिल्ली से वाराणसी जाना। कार में कानपुर से दिल्ली जाने का किराया 1,195 रुपए का होगा, तो चेयर कार में दिल्ली से कानपुर का किराया 1,080 रुपए का होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास में कानपुर से दिल्ली का किराया 2,190 रुपए होगा और एग्जीक्यूटिव क्लास में ही दिल्ली से कानपुर का किराया 2,085 रुपए होगा। अब एक नजर डालते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में कहां तक कितना किराया लगेगा। अगर आप इलाहाबाद से नई दिल्ली जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको 2,915 रुपए देने होंगे, जबकि चेयर कार में 1,550 रुपए। नई दिल्ली से इलाहाबाद तक का किराया एग्जीक्यूटिव क्लास में 2,725 रुपए होंगे और चेयर कार में 1,385 रुपए। इलाहाबाद से कानपुर का किराया एग्जीक्यूटिव क्लास में 1,260 रुपए और चेयर कार में 645 रुपए होंगे। कानपुर से इलाहाबाद के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1,170 रुपए और चेयर कार का किराया 595 रुपए होगा। इलाहाबाद से वाराणसी के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1,190 रुपए होगा और चेयर कार का किराया 700 रुपए होगा। वाराणसी से इलाहाबाद के लिए 1,050 रुपए में एग्जीक्यूटिव क्लास में आप सफर तय कर सकेंगे, जबकि 545 रुपए चेयर कार का किराया देना होगा। तो तैयार हो जाइए भारत की इंजीनियरिंग और इनोवेशन के दमदार तालमेल से बनी एक शानदार ट्रेन के सफर के लिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।